मीरा वीकेंड पे मॉम यहाँ आ रही है। मॉम आ रही है? हाँ। यार तुम्हें उन्हें मना कर देना चाहिए ना, यू नो व्हाई शी इज कमिंग राइट? आई नो, वो यही पूछने आ रही है कि 6 महीने हो गए, खुशखबरी कब सुनाओगे, क्या कहेंगे हम उनसे। तो तुमने उनकी टिकट क्यों करवाई? मैंने टिकट नहीं करवाई यार, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही टिकट करा ली। अब अगर मना करेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या करें? देखो मीरा, ये बात हम कब तक पेरेंट्स से छुपाएंगे, कभी ना कभी तो बतानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आई नो अभी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेल हर अबाउट। तुम जानते हो ना मॉम बच्चे को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड है, अगर उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो वो खामखा स्ट्रेस ले लेंगी और उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो इट्स बेटर कि हम खुद पहले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे एंड देन मेबी वी कैन टेल हर अबाउट इट। फिर तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बच्चे का टॉपिक ही ना उठे। ऐसा तो क्या कहेंगे या क्या करेंगे हम। मीरा, गेस्ट रूम का शार लीक हो रहा है। अरे मैंने तुमसे कहा था प्लम्बर बुला लो, क्यों नहीं बुलाया तुमने? क्यों नहीं बुलाया मतलब? इतने सारे काम है ऑलरेडी मेरे पास, ऑफिस का काम करूं, उसके बाद आईने के लिए कपड़े भी मैं ही निकाल कर दूं, ग्रोसरीज भी मैं ही ऑर्डर करूं, अरे घर में क्या बनेगा उसका मेन्यू भी मैं ही डिसाइड करूं, एसी वाले को भी मैं ही बुलाऊं, कार मैकेनिक से भी मैं ही निपटूं, सारे काम मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगी यार? इन सबके नंबर तुम्हारे पास भी है ना, पर तुम इन्हें कॉल नहीं कर सकते, सारे कॉल मुझसे ही करवाओगी। अरे कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार इस घर की। रिलैक्स अभी, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज तुमने मुझसे कहा है प्लीज डोंट इंटरफेयर। लास्ट टाइम याद है ना एसी वाला आया था तब क्या हुआ था, वो मुझसे गैस फिल करने के पैसे ले गया और तुम्हारे हिसाब से गैस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें ये सब हैंडल करने देती हूँ। रिलैक्स, इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये सब कुछ मैं हैंडल करूंगी बस। अरे ये रवैया नहीं चलेगा यार। What? मेरे aggression पे तुम्हें full aggression दिखाना है, full on power. Let's do it once again. मीरा, guest room का शार लीक हो रहा है। I'm very confused. ये क्या हो रहा है? अरे मीरा, मुझे हमारी problem का solution मिल गया है। माँ बनने का solution? अरे माँ बनने का solution नहीं, माँ के आने का solution. Problem is the solution. जब माँ यहाँ पर आएंगी ना, हमें ऐसे बिहेव करना है जैसे कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी आपस में बनती नहीं है, वी आर इनकम्पैटिबल। और जब हमारे बीच में प्यार ही नहीं बच्चा, तो कहाँ से होगा बच्चा? और जब कुछ ही दिनों में मॉम को ये रियलाइज होगा कि उनकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, वो वापस चली जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रिलियंट आइडिया, यही करेंगे। तो ठीक है, मॉम के आते ही हम ऐसा वॉर जोन क्रिएट करेंगे ना कि कुछ ही दिनों में मॉम वापस चली जाएंगी। वो पापा की गाड़ी का क्या हुआ, कोई अच्छा मैकेनिक मिला? हाँ मैकेनिक मिलेगा, उन्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता है, तुझे पता है ना तेरे पापा। तू चाबी क्यों नहीं लाया साथ में? अरे सुबह जल्दबाजी में चाबी लेना भूल गया मैं। पर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, कहीं बाहर तो नहीं चली है? अरे कहीं नहीं गई होगी, सो रही होगी महारानी। तू तू फोन लगा, फोन लगा ना। हेलो, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो, इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ मैं। अरे आ गए तुम लोग, खोलती खोलती हूँ, जल्दी खोलो। क्या हुआ? बोला ना आपको, सो रही थी। क्या मीरा? अरे आ गए आप लोग। अरे 10 बज गए मुझे पता ही नहीं चला, आई एम सो सॉरी, मेरी आंख लग गई। ये सब क्या है मीरा, तुम्हें पता था ना कि माँ आने वाली, फिर भी तुम सो रही हो। मैं तुम्हें उठा कर गया था, बोल कर गया था कि माँ के लिए नाश्ता बना देना, वो बाहर का खाना नहीं खाती हैं, लेकिन नहीं तुम फिर सो गई। How careless! अरे माँ इतने दूर से सफर कर कर आई हैं और तुम्हें उन्हें और सफर करवा रही हो, where's the sense of responsibility? अभी बस करना, आंख लग गई होगी। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि बाथरूम यूज करने के बाद फर्श को गीला मत छोड़ा करो, किसी दिन मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी, और आज यही हुआ, गिर गई मैं। मेरी कमर में इतनी जोर से झटका लगा है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें, थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी थी, मेरी आंख लग गई, तुम मुझ पर इतना चिल्ला रहे हो, मुझे ये पूछने के बजाय कि मैं ठीक हूं या नहीं, मेरे लिए डॉक्टर बुला दो या मेरी चोट पर मरहम लगा दो, बल्कि तुम तो और चोट पहुंचा रहे हो मुझे। मेरी परवाह नहीं है तुम्हें, बस मम्मी के नाश्ते की परवाह है, इसका मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं नहीं मीरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो नाश्ते की, वैसे भी ना गुरुजी के कहने से मैंने नाश्ता करना छोड़ दिया, अब सीधा लंच करूँगी, ठीक है? तुम जाके आराम करो, मैं गर्म पानी की थैली लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जा। क्या अभी? अरे माँ कोई गहरी चोट नहीं लगी है, यहाँ तक चलकर आई ना, इसका मतलब हड्डी वड्डी नहीं टूटी है।
किस तरह बात कर रहा है तू बहू के बारे में है? अरे माँ आप समझती नहीं हो, रोज का नाटक है इसका। मैं खुद ही नाश्ता बना लेता हूँ। माँ आराम किया आपने? हाँ बेटा एक बात बता, सब कुछ ठीक है ना? तेरा कामकाज ठीक चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है माँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अब देख जून का महीना आ गया, सावन का मौसम भी आ गया, लेकिन तुम लोगों से कोई खबर ही नहीं आई। तेरे पापा और मैं बहुत परेशान हो गए थे, तो फिर मैं चली आई। मैंने सोचा मिलकर ही पूछ लूं कि बात क्या है। माँ वो बेटा बताना बात क्या है। अभी मोना ने तुम्हें कॉल किया था ना लास्ट वीक उसकी सनडाउनर के लिए, हम दोनों को इनवाइट करने के लिए, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो मैं भूल गया यार, वीकेंड पे बिजी था मैं। अच्छा सब जानते हो मैं कहाँ बिजी थे, तुम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे ना, और मेरा क्या है, मैं तो बीवी हूँ, संडे को घर पर पड़ी रहूंगी। अभी मैंने तुम्हें ना कभी अपने दोस्तों के साथ चिल करने से रोका नहीं है, पर कम से कम जब मेरी दोस्त हम दोनों को इनवाइट कर रही है तो मुझे बता तो दिया करो। और अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं था तो मुझे ही बोलते थे, मैं अकेली चली जाती। तुम अकेली कैसे जाती, टाउन में रहती है वो, ड्राइव कौन करता? छोटी बच्ची हूँ क्या, गाड़ी चलानी अच्छे से आती है मुझे। मम्मी आप बताइए, लास्ट टाइम मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी ना, कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, तो बहुत अच्छा गाड़ी चलाती है। तूने उसे बताया क्यों नहीं कि उसकी फ्रेंड का फोन आया था? अरे माँ आप समझती नहीं हो, इसकी जो फ्रेंड है ना उनके घर पर आए दिन पार्टी होती रहती है, पार्टी में जा जाकर थक गए हैं। एक पार्टी में अगर नहीं गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया, अगले महीने फिर पार्टी होगी तब चले जाना। मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये बात तुम्हें माँ के सामने करने की क्या जरूरत है? अपना भी दिमाग खराब कर रही हो, मेरा भी और माँ का भी, सारा मूड खराब कर दिया। मैं जा रहा हूँ, आई नीड फ्रेश एयर। अरे अभी देख लिया ना आपने किस तरीके से बिहेव करता है मेरे साथ। अरे मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब हमने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। उसे ना सिर्फ अपनी चीजों की परवाह है, बहुत सेल्फिश हो गया है वो। मेरे दोस्त, मेरा क्रिकेट, मेरी गाड़ी, मेरा जिम, मेरी शराब, मेरा क्या? मेरा सर। अरे बेटा तू यहाँ क्यों सो रहा है? माँ आपने सुना है ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। हाँ सुना है। तो इस घर में अगर चैन से सोना है तो बेडरूम से भाग जाओ, कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, मुझे प्लीज सोने दो माँ। माँ जल्दी लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ला रही हूँ बस रुक जा। ये रहे गरमा गरम पराठे। ये अरे वाह, आलू के पराठे। यस तुम्हें पता है मीरा, आलू के पराठों में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? आलू ऑब्वियसली। ऑब्वियसली रॉन्ग, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है प्यार। ये जो प्यार माँ ऐड करती है ना तुम्हारी हर डिश से मिसिंग होता है। दैट्स व्हाई नेवर टेस्ट लाइक दिस, दिस इज जस्ट वाओ माँ। माँ जब खाना बनाए तो वाओ, और बीवी जब खाना बनाए तो बस खाओ नाइस, पूरा पतीला चाट जाते हो, लेकिन झूठे मुंह भी तारीफ नहीं निकलती। जहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिलता वहाँ प्यार की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अपना प्यार का लॉजिक अपने पास रखो, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं। ओके बेटा एक पराठा लेकर आती हूँ खाओ। नहीं नहीं मम्मी, अभी की बातों से ही पेट भर गया, पराठे के लिए जगह ही नहीं है। देखा वो नाराज हो गई, क्यों बोला तूने ये सब? अरे माँ आप एक और पराठा लेकर आओ, ये तो ऐसे ही करती रहती है। नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, हम कहीं ओवरडू तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं अच्छा कर रहे हैं हम लोग। आज सुबह जो तुमने ब्रेकफास्ट टेबल पर किया दैट वाज ब्रिलियंट, वेरी सटल। वो क्या लाइन बोली थी तुमने, जहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिलता वहाँ पर प्यार की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। फैंटास्टिक लाइन। और तुमने देखा माँ को, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मुझसे दोबारा कुछ पूछ सके। याद है कल जब वो तुमसे सवाल पूछने लगी थी तो मैंने कैसे ऐसे वो पार्टी वाली बात निकाल कर तुम्हें उनके अटैक से बचाया था। That was a killer move. Seriously, जब माँ ने मुझसे वो सवाल पूछा तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं उनको क्या जवाब दूँ। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। I know. गजब की टाइमिंग थी तुम्हारी। Thank you. Now listen, you have to keep this up, okay? अभी की बातों से क्यों? हर बात में नाराज होती है वो। कहीं नहीं गई होगी, सो रही होगी महारानी। मम्मी, डिनर में क्या खाओगे? नहीं बेटा, मेरा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा खाने का। क्या हुआ माँ?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तू ऐसा कर कि मेरा टिकट कटवा दे, कल परसों का ही। इतनी जल्दी? ऐसा क्यों हो गया माँ? मैं तुम लोगों को इस तरह लड़ते झगड़ते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे पापा और मैं हमेशा ये बात करते हैं कि देखो कितना प्यार है बच्चों में, दोनों कितने कंपैटिबल हैं। हम लोग तो और लोगों को तुम्हारी मिसाल देते हैं कि कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे, लेकिन यहाँ देखते हो तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे मैं अभी खड़े खड़े यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ इस घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, वरना तो क्या ही परवरिश करते तुम लोग। मुझे तो लगता है तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ सालों में ही ना तुम दोनों अलग हो जाओगे। मैं नहीं देख सकती ये सब, ये माहौल मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू तो बेटा तत्काल में मेरा टिकट कटवा दे, मुझे बस जाना है, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ सोने। अरे माँ मेरे, मेरा हमने जो सोचा था ये तो उसका उल्टा ही हो गया। पहले तो माँ को सिर्फ बच्चे की चिंता थी, अब तो हमारी भी चिंता हो गई। ये ना तुम्हारा आइडिया था। इससे अच्छा तो माँ को यही बोल देते कि इस वक्त हमारा बच्चा करने का मन नहीं है, दो चार गालियां देती चली जाती, पर कम से कम माँ का दिल इस तरह तो नहीं टूटता। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन दो दिन पहले आना चाहिए था ना। तो तुम्हारी आइडिया की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दो दिन लेट क्यों आई? अब क्या करें? आई थिंक अब माँ को हमें सच बता देना चाहिए। ओके, बट पूरा सच नहीं, आधा सच। देखो अभी जब तक हमें हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल जाता ना, तब तक उन्हें आधा सच ही बताना ठीक होगा। जस्ट मेक श्योर दैट शी डजंट रिटर्न होम इन दिस स्टेट। माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। हमने आपसे झूठ बोला, ये जो लड़ाई कर रहे थे हम लोग, ये सब फेक था। हाँ माँ, हम ऐसे नहीं हैं, ना ही हम ऐसे रह सकते हैं। ये सब हम ड्रामा कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे ड्रामा? ताकि आप हमसे वो सवाल ना पूछ पाए जो पूछने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं हुआ। हाँ तो क्यों नहीं हुआ बच्चा? पिछले बार जब हम यहाँ आए तो हमें बहला फुसला के तुम लोगों ने भगा दिया कि भाई 6 महीने में कोई गुड न्यूज देंगे। फिर क्या हुआ? असलियत तो ये है कि तुम लोगों को बच्चा चाहिए ही नहीं, है ना? सच है ना? बोलो, चुप क्यों? नहीं माँ, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि पिछले 6 महीने से हम लोग जेन्युइनली बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिसेंटली एक डॉक्टर से भी मिले हम लोग, उसने कुछ टेस्ट करवाए, कुछ टेस्ट सब भी बाकी हैं। हाँ कुछ प्रॉब्लम तो है, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सॉरी माँ, यस सॉरी। If you liked the episode today, and if you did, do not forget to like, share, and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. Yes, and जैसा कि हमने आज के एपिसोड में दिखाया कि हम लोग बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से शेयर करने से पहले बहुत हेजिटेट करते हैं, हमें ऑकवर्ड लगता है, बट इन द एंड वी रियलाइज कि उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बहुत जरूरी है। Because honesty is the best policy. Yes. Yes. And I believe parents are the best people to help you with any problem without judging. Yes, without judging. So please share all your problems with your parents and share our amazing video with all your friends and relatives. Yes, and we'll see you with another amazing episode. Bye-bye. Bye-bye.